नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप कुमार श्रीवास्तव आप लोगों का स्वागत करता हूं सब कुछ पढ़ो चैनल पे। तो चलिए सब कुछ पढ़ो चैनल पे क्लास को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन बच्चे, मैं हमेशा की तरह पहले आपको चैप्टर याद दिला दूं। हमारा चैप्टर क्या है? जाति धर्म और लैंगिक मसले। जाति धर्म और लैंगिक मसले। तो बच्चे, हमने अपने अभी ठीक पिछली क्लास में लैंगिक मसलों को अच्छे से समझा था, स्त्री पुरुष के भेद को समझा था और देखा था कि किस तरह महिलाएं व्यक्तिगत और सामाजिक अधिकार चाहती थी। चलिए अब एक दूसरे तरह के विभाजन को भी समझते हैं। याद रखिएगा कि समाज में सिर्फ स्त्री पुरुष का विभाजन नहीं है, और भी कुछ विभाजन है, उसे भी हम अगले पॉइंट में समझेंगे। तो बच्चे, हमारा जो अगला पॉइंट है, सभी बच्चे ध्यान से सुनिए, धर्म सांप्रदायिकता एवं राजनीति। धर्म सांप्रदायिकता एवं राजनीति। धर्म सांप्रदायिकता एवं राजनीति। बच्चे, धर्म तो आप सभी लोग समझते हैं, जैसे भारत में हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म है, क्रिश्चियन धर्म है। तो चलिए धर्म, लेकिन सांप्रदायिकता क्या होता है? तो बच्चे याद रखिएगा कि धर्म के आधार पर जो समूह है, वो समूह को भी हम संप्रदाय कह सकते हैं, और उसकी सोच को सांप्रदायिकता कहते हैं। तो याद रखिएगा कि धर्म के आधार पर जो समूह है वही संप्रदाय है, और संप्रदाय की बात करना ही सांप्रदायिकता है। तो धर्म और सांप्रदायिकता एवं राजनीति, यानी धर्म और सांप्रदायिकता भी राजनीति से जुड़ती है। हाँ बच्चे, हमें इसी बात को समझना है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे मैंने बताया था कि हमारे समाज में तरह तरह का विभाजन है। तो पिछली क्लास में मैंने आपको लैंगिक विभाजन बताया था, लेकिन याद रखिएगा कि हमारे समाज में एक अलग तरह का सामाजिक विभाजन भी है। याद रखिएगा, हमारे समाज में एक अलग तरह का सामाजिक विभाजन है। जरा देखते हैं कि ये अलग तरह का सामाजिक विभाजन क्या है। एक अलग तरह का सामाजिक विभाजन हमें समझना है बच्चे की। ठीक है, चलो सामाजिक विभाजन तो है, ये बात तो हम समझ रहे हैं, पर ये अलग तरह क्या है, अलग तरह का सामाजिक विभाजन क्या है? तो बच्चे याद रखिएगा कि ये जो सामाजिक विभाजन है, ये किसके आधार पर है? धर्म के आधार पर। इसका मतलब है कि धर्म भी समाज में सामाजिक विभाजन का एक आधार हो सकता है। तो इस बात को याद रखिएगा कि हमारे समाज में एक अलग तरह का सामाजिक विभाजन है, और ये विभाजन किसके आधार पर है? धर्म के आधार पर। इसका मतलब हो गया कि धार्मिक अंतर से भी, सभी बच्चे याद रखेंगे कि धार्मिक अंतर पर भी विभाजन होता है। धार्मिक अंतर पर भी क्या होता है? विभाजन होता है। हमें इस बात को समझना है। अच्छा, एक चीज मैं बता दूं कि अगर ठीक है, चलो धर्म के आधार पर विभाजन होता है, तो क्या ये किसी एक क्षेत्र की बात है? नहीं बच्चे, गलती से भी ये नहीं सोचना है कि धर्म के नाम पर विभाजन किसी एक क्षेत्र या किसी एक देश की बात है, जबकि विश्व में, मैं पूरे विश्व की बात कर रहा हूं, धार्मिक विभाजन व्यापक है। इसका मतलब है कि पूरे विश्व में धार्मिक विभाजन है, पूरे विश्व में धार्मिक विभाजन व्यापक है। इसका मतलब है कि सिर्फ एक देश की बात ये नहीं है, पूरे विश्व में देखा जा रहा है कि हर तरफ धार्मिक विभाजन व्यापक है। और याद रखिएगा कि भारत समेत, यानी हम अपने देश की भी बात कर रहे हैं, कि भारत समेत कई देशों में अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग हैं, तो क्यों नहीं विभाजन होगा? तो याद रखिएगा कि एक कंडीशन है कि भारत समेत अगर मैं अन्य देशों की बात करूं तो अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग बैठे हैं, अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग हैं। तो हमने ये देखा
कि भारत में भी अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग हैं और अन्य देशों में भी अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग हैं। तो अगर अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग हैं तो क्या धार्मिक विभाजन नहीं हो सकता? इसका मतलब है कि समाज में एक और विभाजन आधार धर्म हो गया और धर्म के आधार पर भी विभाजन हुआ। और ये विभाजन कैसे हुआ? धार्मिक अंतर से हुआ। क्या बच्चे आपको उत्तरी आयरलैंड की घटना याद है? मैंने आपको समझाया था ना कि उत्तरी आयरलैंड ईसाई देश था, याद रखिए क्या था, ईसाई देश था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ईसाई देश होने के बाद भी यहाँ दो तरह के पंथ थे उसी धर्म में। एक को मैंने कैथोलिक कहा था और दूसरे को क्या बताया था मैंने, प्रोटेस्टेंट। और आपको ये भी बताया था कि कैथोलिक अपने धर्म को मान रहे हैं और प्रोटेस्टेंट अपने तरीके से धर्म को मान रहे हैं। इसका मतलब है कि अगर एक ही धर्म में दो पंथ हैं तो उनके पूजा पाठ की पद्धतियां भी तो अलग होगी। पूजा पाठ कैसे कर रहे हैं, क्या उनके पूजा का प्रोसेस है, ये भी तो अलग होगी। तो उस पर भी तो विभाजन हो गया। तो याद रखिएगा कि अगर किसी देश में एक ही धर्म है और उस धर्म में भी अलग अलग तरीका है पूजा पाठ की, अर्चना की, स्तुति की, प्रार्थना की, तो उसमें भी विभाजन हो सकता है और स्थिति क्या हो सकती है, गंभीर हो सकती है। इसका मतलब है चलो धर्म पे विभाजन तो समझ में आ रहा है, यानी एक धर्म के अंदर भी अगर अलग अलग पंथ हो गए तो स्थिति क्या हो जाएगी बच्चे, स्थिति और भी गंभीर हो जाएगी, खराब हो जाएगी, खतरनाक हो जाएगी। लेकिन याद रखिए हमें देखना है कि धार्मिक विभाजन अक्सर राजनीति में भी आ जाती है, राजनीति के मैदान में आ जाती है। हमें इस बात को खींचना है कि धार्मिक विभाजन जो है अक्सर कहाँ आ जाती है, राजनीति के मैदान में। याद रखिएगा कि धार्मिक विभाजन भी राजनीति के मैदान में आ जाती है, राजनीति के मैदान में आ जाती है। हमें समझना है कि किस तरीके से राजनीति धार्मिक विभाजन को मैदान में घसीट लेता है या धार्मिक विभाजन कैसे मैदान में आ जाती है। जैसा मैंने आपको बताया था कि उत्तरी आयरलैंड के जो कैथोलिक लोग थे वो उनको कौन सी पार्टी, कौन सी राजनीतिक पार्टी सपोर्ट करती थी, तो बच्चे उसका नाम था नेशनलिस्ट पार्टी। तो कैथोलिक लोग को नेशनलिस्ट पार्टी सपोर्ट करती थी, तो क्या किसी धर्म को राजनीति ने नहीं संभाल लिया, संभाल लिया। अच्छा, अब ये जो लोग थे नेशनलिस्ट पार्टी, वो चाहते थे कि कैथोलिक लोग को मतलब उत्तरी आयरलैंड को या कैथोलिक को किसमें मिला दिया जाए, आयरलैंड गणराज्य में। लेकिन जो दूसरा ग्रुप था प्रोटेस्टेंट को, उसको कौन सपोर्ट करता था, यूनियनिस्ट पार्टी। और ये यूनियनिस्ट पार्टी क्या चाहते थे कि उत्तरी आयरलैंड को कहाँ मिला दिया जाए, ग्रेट ब्रिटेन में। इसलिए मिला दिया जाए, क्यों, क्योंकि ग्रेट ब्रिटेन की अधिकतर आबादी क्या थी, प्रोटेस्टेंट थी। तो बच्चे आप जरा देखो कि धार्मिक विभाजन भी अक्सर राजनीति के मैदान में आ जाती है। अच्छा, याद रखिएगा कि गांधी जी ने ये बात भी कहा था कि गांधी जी ने साफ कहा था कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। याद रखिएगा ये गांधी जी का कॉन्सेप्ट है, हमें इस बात को समझना है कि गांधी जी ने कहा, गांधी जी ने कहा कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं कर सकते, राजनीति से अलग नहीं कर सकते। आप समझ सकते हैं बच्चे, गांधी जी जो राष्ट्रपिता है हमारे स्वतंत्रता संग्राम में, कर सकते हैं। उन्होंने साफ कहा था कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं कर सकते, पर उन्होंने जिस धर्म का प्रयोग किया है क्या वो ये धर्म है, जैसे हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख, क्रिश्चन, क्या वो इस धर्म की बात कर रहे थे? तो यहाँ थोड़ा आपको समझना है बच्चे कि गांधी जी जिस धर्म की बात कर रहे थे वो धर्म कुछ नहीं, वो धर्म नैतिक मूल्य था। क्या था वो धर्म? नैतिक मूल्य। यानी गांधी जी ने जिस धर्म की बात की थी वो धर्म क्या था, वो एक नैतिक मूल्य था। तो हमें समझना है कि ये जो नैतिक मूल्य है, ये मूल्य पर गांधी जी क्या कहना चाह रहे थे। पहले मैं इसे मिटा दूं, सभी बच्चे समझ चुके हैं, ठीक है बच्चे। ओके, तो याद रखिएगा कि गांधी जी ने जिस धर्म की बात की थी, सबसे पहले सभी बच्चे याद रखिएगा वो धर्म क्या था, वो धर्म नैतिक मूल्य था, मोरल था, एक सोच थी। गांधी जी ने जिस धर्म की बात की थी वो धर्म क्या था, नैतिक मूल्य था। और उन्होंने कहा था कि राजनीति को
नैतिक मूल्य से निर्देशित होना चाहिए। इसका मतलब है कि इसी नैतिक मूल्य से किसे निर्देशित होना चाहिए? राजनीति को। इस बात को याद रखना है बच्चे हमें कि गांधी जी ने कहा था कि जो धर्म है उसे हम राजनीति से अलग नहीं कर सकते, पर गांधी जी ने जिस धर्म की बात की थी बच्चे, वो धर्म नैतिक मूल्य था, एक सोच थी, और इस नैतिक मूल्य से ही वो चाहते थे कि राजनीति को निर्देशित किया जाए। यानी यही नैतिक मूल्य है जो राजनीति को क्या करती है? निर्देशित करती है। यानी नैतिक मूल्य राजनीति को निर्देश देती है, दिशा देती है। और याद रखिएगा कि बहुत सारे मानवाधिकार समूह ने भी कहा है कि दंगों से ज्यादा अल्पसंख्यक लोग मर जाते हैं। याद रखिएगा बच्चे कि अगर यही धार्मिक उन्माद लोगों में धर्म वाली बात बढ़ती रही तो जो बड़ा समूह होता है वो चाहता है कि हमारे धर्म का वर्चस्व हो, तो कहीं ना कहीं छोटे लोगों को वो दबाने की कोशिश करता है या अपने धर्म को थोपने की कोशिश करता है। तो क्या अल्पसंख्यक इस बात को बर्दाश्त कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। और जब बच्चे अल्पसंख्यक बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे, इसका मतलब है बहुसंख्यक या ज़्यादा धर्म मानने वाले लोगों में दंगा और फसाद भी तो हो सकता है। तो याद रखिएगा कि मानवाधिकार समूह भी ये कहती है कि अगर कभी ऐसा दंगा होता है तो सबसे ज़्यादा कौन मरते हैं? अल्पसंख्यक मरते हैं। याद रखिएगा कि मानवाधिकार समूह ने क्या कहा है, मानवाधिकार समूह ने कहा है कि धार्मिक दंगों में अल्पसंख्यक ज्यादा मरते हैं। कौन ज्यादा मरते हैं? अल्पसंख्यक ही ज्यादा मरते हैं अगर धार्मिक दंगा हो जाए। इसका मतलब है कि हमें कम से कम धर्म को अगर राजनीति से जोड़ रहे हैं तो हमें दंगे फसाद से बचना चाहिए, क्योंकि धर्म दंगा फसाद नहीं कराने की चीज़ है। धर्म तो एक नैतिक मूल्य है जो आपको आपकी मर्यादा, आपकी सीमा में रखता है बच्चे, आपकी सोच को एक दिशा देता है, आप एक सभ्य नागरिक बनते हैं, सभ्य संस्कृति का पालन करते हैं बच्चे। धर्म तो ये है, धर्म क्यों दंगा और फसाद कराने लगा? ठीक है। अच्छा, एक बात और हमें याद रखना है कि सरकार भी रक्षा के लिए कदम उठाए। याद रखिएगा कि सरकार भी धर्म की रक्षा के लिए या इसकी रक्षा के लिए क्या करे? कदम उठाए। इस बात को हमें याद रखना है कि सरकार भी अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए, यानी जिनका धर्म कम है, कम संख्या में है, उनकी रक्षा के लिए क्या करे? कदम उठाए, ताकि किसी को ये न लगे कि हम अल्पसंख्यक हैं तो हमारे धर्म को नहीं देखा जा रहा है। जैसे बच्चे याद है आपको श्रीलंका की घटना, आपने देखा था कि सिंगली लोगों ने बहुसंख्यकवाद का काम किया था, उनका धर्म क्या था? बुद्ध धर्म था, और उन्होंने बुद्ध धर्म को ही बढ़ावा दिया था, तभी तो गृह युद्ध हुआ और हजारों लोग मर गए। इसका मतलब है सरकार को भी चाहिए कि कम से कम धार्मिक आधार पर कोई दंगा फसाद ना हो, सबका ख्याल रखा जाए। पूरी बात समझ में आ गई? अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि महिला आंदोलन में ये कहा गया कि जो परिवार कानून है वो भी महिलाओं से भेदभाव करता है। इसका मतलब है कि हर तरह के भेदभाव की बात यहाँ पर शुरू हो गई। याद रखिएगा कि महिला आंदोलन ने क्या कहा जा रहा था, महिला आंदोलन में ये कहा गया कि सरकार भी महिलाओं के लिए भेद करती है। आप देख सकते हैं बच्चे, यानी धर्म की भी बात है और महिला आयोग आंदोलन ये कहता है कि सरकार जो है वो महिलाओं के लिए भेद करती है। तो देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं भेदभाव का वातावरण बना हुआ है। इसका मतलब है कि और क्या चाहती है सरकार? समतामूलक कानून बनाए। याद रखिए, भेद करता है, पर यह आंदोलन ये चाहती है कि सरकार जो है एक ऐसा कानून बनाए जो समतामूलक हो, स्त्री पुरुष के बराबर हो, धर्म के आधार पर ना टूटे। तो याद रखिएगा कि सरकार क्या करे? समतामूलक कानून बनाए, ताकि लैंगिक भेद भी ना हो और ना किसी तरीके का धार्मिक भेद भी हो। यहाँ तक समझ में आया? अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा कि अब क्या है कि जो सभी मामले हैं वो हम देखेंगे तो वो किससे जुड़ जाते हैं? धर्म एवं राजनीति से। इस बात को याद रखिएगा कि अगर ऐसे कोई भी मामले आते हैं तो हम देखते हैं कि ऐसे जो मामले हैं वो धर्म से भी जुड़ते हैं और फिर किससे जुड़ जाते हैं? राजनीति से। तभी तो धर्म, संप्रदाय और राजनीति की बात होती है। तो हमने देखा बच्चे
कि धार्मिक विभाजन का जो मामला है वो धर्म और राजनीति दोनों से क्या होता है, जुड़ता है। तो हमें देखना है कि किस तरह से दोनों से जुड़ता है या इसका क्या प्रभाव पड़ता है। पूरी बात समझ में आ गई। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि जितने भी धार्मिक समुदाय हैं उन्हें भी क्या चाहिए कि अपनी मांग को उठाने का अधिकार होना चाहिए। क्योंकि याद रखिएगा बच्चे, अगर धार्मिक समुदाय को अपने मांग को उठाने का अधिकार होगा तभी तो बड़ा धार्मिक समुदाय उनकी अनदेखी नहीं कर पाएगा। इस बात को भी हमें समझना है कि जो छोटे धार्मिक समुदाय या कोई भी धार्मिक समुदाय है, लोकतंत्र है, उन्हें भी अपनी मांग उठाने का क्या होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए। याद रखिएगा बच्चे कि धार्मिक समुदाय को मांग उठाने का अधिकार होना चाहिए, अधिकार हो, ताकि कोई बड़ा धार्मिक समूह उनके धर्म की अवहेलना ना कर पाए या उनको धार्मिक रूप से नहीं दबाए। क्योंकि क्या होता है बच्चे कि अगर बड़े धर्म वाले वर्चस्व करते हैं, प्रभुत्व करते हैं, तो वो अपने धर्म को ही लागू करते हैं और दूसरे धर्म की क्या करने लगते हैं। हम देखिए, इसका मतलब है कि ऐसा अधिकार होना चाहिए कि जो अल्पसंख्यक हो या किसी धर्म को मानने वाले कम लोग हैं उन्हें भी अपने मांग उठाने का क्या होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए, ताकि उनकी मांग भी सुनी जाए, उनको भी सहूलियत दी जाए। वरना बच्चे धार्मिक विभाजन होने में जरा भी टाइम नहीं लगेगा। पूरी बात समझ में आ गई। अच्छा, फिर याद रखिएगा सत्ता को भी क्या चाहिए कि धर्म का जो है काम काज पर नजर रखे और भेद नहीं होना चाहिए। याद रखिए कि सत्ता भी धर्म के काम काज पर नजर रखे, ताकि किसी का धर्म जो है बेगानापन न लगे, न छूटे, नजर रखे। एवं अगर कोई धार्मिक भेदभाव होता है, एवं भेदभाव को रोके। ये राज्य को चाहिए कि वो भी धार्मिक भेदभाव को क्या करे, रोके। पूरी बात समझ में आ गई। अच्छा, और याद रखिएगा शासन सभी धर्मों से समान व्यवहार करे। तो हमने देखा कि ये भी है कि जो शासन है वो सभी धर्मों से क्या करे, समान व्यवहार करे, तभी जो है सामाजिक रूप से या धार्मिक रूप से कोई विभाजन नहीं होगा। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे। ठीक है, चलिए अब तो चलिए हमने धर्म के चीजों को सीखा, अब जरा सांप्रदायिकता को सीखने के लिए। सांप्रदायिकता आप किस सेंस में है और इसका क्या असर पड़ रहा है। ठीक है, मैं मिटाऊं इसे बच्चे। चलिए अब हम जरा सांप्रदायिकता को सीखते हैं, हम अपने अगले पॉइंट में सीख लेते हैं सांप्रदायिकता को। यहां सभी बच्चे केयर कीजिए। सांप्रदायिकता, ठीक ना। तो सभी बच्चे याद रखिए, शुरू से अगर देखा जाए तो सांप्रदायिकता की शुरुआत तब होती है जब धर्म को राजनीति का अधिकार मिल जाता है। याद रखिएगा, सांप्रदायिकता कब शुरू होती है, जब धर्म को राजनीति का अधिकार मिल जाए, बस तुरंत सांप्रदायिकता शुरू होती है। लेकिन हमें यह समझना है कि भाई राजनीति का अधिकार कैसे मिल गया। याद रखिएगा अगर धार्मिक समूह राजनीति करने लगे तो वो सबसे पहले किसकी बात करेंगे, अपने धार्मिक समूह की बात करेंगे। और याद रखिए बच्चे, अगर अपने धार्मिक समूह की बात करेंगे तो मैंने आपको क्या बताया था, यही क्या है, सांप्रदायिकता है। तो याद रखिएगा कि सांप्रदायिकता की शुरुआत तभी होगी जब हम धर्म को राजनीति का अधिकार देते हैं या धार्मिक समूह का राजनीतिकरण कर देते हैं। जैसे उत्तरी आयरलैंड, मैंने आपको बताया था ना कि कैथोलिक को किसने सपोर्ट कर दिया, यूनियनिस्ट पार्टी ने, नेशनलिस्ट पार्टी ने, तो क्या वो सांप्रदाय नहीं हो गई।
उसी तरह प्रोटेस्टेंट को सपोर्ट किया था यूनियनिस्ट पार्टी ने, तो प्रोटेस्टेंट भी क्या हो गया, एक सांप्रदाय हो गए। और देखिए इन दोनों सांप्रदाय में दंगे भी हुए थे, हजारों लोग भी मरे थे। तो कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता जो है राजनीतिकरण से आ जाती है। और याद रखिएगा कि यह समस्या तब बदलेगी जब एक समुदाय जो है दूसरे समुदाय के दावे और पक्ष का क्या करे, सम्मान करे या उसका रूप ले ले। इस बात को सभी बच्चे याद रखिएगा कि राजनीति सांप्रदायिकता की समस्या तभी बदली है जब धर्म एक समुदाय के दावे और पक्ष का क्या कर ले, रूप ले ले। पूरी बात समझ में आ गई। अच्छा, अगर याद रखेंगे कि समस्या कैसे बढ़ेगी, थोड़ा हमें इस बात को समझना है। बच्चे इस बात को याद रखिएगा कि भाई सांप्रदायिकता की समस्या बढ़ेगी कैसे, बढ़ेगी तभी बढ़ेगी जब एक धार्मिक समुदाय दूसरे के दावे और पक्ष का क्या करे, सम्मान न करे। समझ में आया? इसका मतलब है कि जब धर्म एक ही समुदाय, जब धर्म एक ही समुदाय का रूप एवं पक्ष ले ले, इसका मतलब है कि दूसरे धर्म की अनदेखी कर दे, तो सांप्रदायिकता क्या बन जाएगी, समस्या बन जाएगी। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे कि जब समस्या तभी बढ़ेगी जब एक धर्म ही एक समुदाय के दावे और पक्ष का रूप ले ले। तो जब एक ही समुदाय का रूप लेगा तो क्या वो सांप्रदायिकता नहीं होगी? हो तो गई। अच्छा, उसके बाद अगला क्या है कि अगर एक धर्म खुद को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ माने, याद रखेंगे बच्चे तुरंत सांप्रदायिकता तेज हो जाएगी। अगर मान लीजिए एक ही देश में तरह तरह के धर्म के लोग हैं और अगर एक ही धर्म ने खुद को श्रेष्ठ मान लिया तो क्या वो सांप्रदायिकता नहीं हो गई? हो गई, क्योंकि वो दूसरे धर्म को अब अपने से छोटा समझेंगे। तो अगर मान लीजिए कि एक धर्म खुद को श्रेष्ठ मानता है तो क्या दूसरे धर्म वाले चुप रहेंगे? क्या वो अपने धर्म को श्रेष्ठ नहीं मानेंगे? इसी तरह सभी अपने अपने अगर धर्मों को श्रेष्ठ मानने लगे तो फिर एक तो धर्म का संघर्ष हो जाएगा, और जैसे धर्म का संघर्ष हो जाएगा तुरंत सांप्रदायिकता की शुरुआत हो जाएगी। और स्थिति तब बद से बदतर हो जाएगी बच्चे जब व्यापक पैमाने पर दंगे फसाद नरसंहार जनसंहार हो, तब धर्म जो है वो दुख का विभाजन का रूप ले लेता है। जबकि किसी सभ्य समाज में या लोकतांत्रिक समाज में बच्चे धार्मिक विभाजन का अंग नहीं होना चाहिए। पूरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे। याद रखिएगा तीसरा कंडीशन है कि एक धर्म दूसरे धर्म के विरोध में हो जाए। याद रखिए, एक धर्म दूसरे धर्म के विरोध में हो, फिर स्थिति और बद से बदतर हो जाएगी। पहले क्या कहा मैंने कि समस्या कब बढ़ेगी, जब धर्म एक ही समुदाय का रूप और पक्ष ले ले। दूसरा, एक धर्म खुद को दूसरे से अच्छा माने और एक ही धर्म दूसरे धर्म के क्या हो जाए, विरोध हो जाए, विरुद्ध हो जाए। तो याद रखिएगा कि स्थिति और बद से क्या हो जाएगी बच्चे, बदतर हो जाएगी। और याद रखिएगा इसको और बुरा कब बनाया जा सकता है, जब राज्य सत्ता का इस्तेमाल किसी एक ही धर्म के लिए करता है। याद रखिएगा, अगर राज्य ने राज्य सत्ता का प्रयोग केवल एक धर्म के लिए करता है, केवल एक धर्म के लिए करता है, तो स्थिति और भी बुरी हो जाएगी। इस बात को याद रखिएगा बच्चे, अगर राज्य ने सत्ता का प्रयोग एक ही धर्म के लिए कर लिया तो स्थिति और भी क्या हो जाएगी, बुरी हो जाएगी। इसका मतलब है कि राजनीति को धर्म से जोड़ना ही सांप्रदायिकता है। क्या निकल के आया निष्कर्ष बच्चे, जरा देखिए तो, कि राजनीति को धर्म से जोड़ना, देखिए बच्चे कितने अच्छे तरीके से हमने चीजों को एकदम क्लियर किया कि राजनीति से धर्म को जोड़ना ही सांप्रदायिकता है।
तो देख सकते हैं बच्चे कि सांप्रदायिकता क्या है। अगर हम ऐसे काम करेंगे तो राजनीति को हमने किससे जोड़ दिया, धर्म से। और जैसे आप राजनीति को धर्म से जोड़ेंगे वो तुरंत क्या बन जाएगा, सांप्रदायिकता बन जाएगी। और याद रखिए धर्म ही समुदाय का फिर निर्माण करती है, ऐसा सोचना ही क्या है, सांप्रदायिकता है। याद रखिएगा कि धर्म ही समुदाय का निर्माण करती है, धर्म ही समुदाय का दाय का निर्माण करती है। बच्चे यही सोच फिर क्या हो गई, सांप्रदायिकता हो गई। तो याद रखिएगा कि राजनीति से धर्म को अगर हमने जोड़ दिया तो सांप्रदायिकता है, और अगर कोई धर्म ही एक समुदाय का निर्माण कर रही है तो फिर भी वो क्या हो जाएगी, सांप्रदायिकता हो जाएगी। यहाँ तक समझ में आए? अच्छा, लेकिन बच्चे जरा सोचिए कि क्या किसी क्षेत्र में एक ही धर्म के लोग हैं, अलग अलग धर्म के लोग हैं? तो याद रखिए कि अगर मैं अपने देश भारत देश की भी बात करूं तो देखिए बेटा यहाँ अलग अलग धर्म के कितने सारे लोग हैं। तो जरा सोचिए कि अलग अलग धर्म के अगर लोग एक क्षेत्र में हैं तो क्या उनके हित एक होंगे या अलग अलग होंगे? जाहिर है अलग अलग होंगे, क्योंकि उनकी सोच भी अलग है। तो याद रखिएगा कि अगर एक क्षेत्र में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं तो उनके हित भी उनकी सोच भी क्या होगी, अलग अलग होगी। और अगर अलग अलग हित और सोच हो गई तो क्या उनमें टकराव होगा? जाहिर है टकराव भी होगा। पूरी बात समझ में आ गई? तो चलिए बच्चे पहले हम इस ग्राफ को मिटाते हैं। हमने अच्छे से सारी चीजों को सीख लिया ना। तो मैंने अभी क्या कहा था बच्चे आपसे कि अलग अलग धर्म के लोगों के हित भी अलग अलग होते हैं। जरा इस बात को यहां समझते हैं कि अलग अलग धर्म के लोगों के हित भी अलग अलग हैं। तो जरा सोचिए बच्चे कि अलग अलग धर्म के लोगों के अगर हित भी अलग अलग हैं, इसका मतलब है उनमें टकराव भी होगा। मैंने अभी आपको समझाया भी था कि अगर हित अलग अलग हो गए तो अगर हित अलग अलग हैं और सब में आपसी सामंजस्य मेल नहीं हुआ तो क्या कभी टकराव नहीं होगा? डेफिनेटली टकराव होगा। लेकिन अगर मान लीजिए सबके हित एक जैसे होते तो फिर टकराव की जरूरत क्या थी? लेकिन अगर हित अलग अलग हो गए तो टकराव भी होगा। समझ में आया? अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, अगर सोच बढ़ा कि दूसरे धर्म के लोग एक ही राष्ट्र में नागरिक की तरह नहीं रह सकते तो क्या देश में विभाजन हो जाएगा? याद रखिएगा, अगर ये सोच बढ़ी, ठीक है, अगर ये सोच बढ़ी कि दूसरे धर्म के लोग, सोचिए बच्चे ये सोच कितनी खतरनाक होगी कि दूसरे धर्म के लोग एक राष्ट्र में नागरिक की तरह नहीं रह सकते। याद रखिए, अगर टकराव हो गई, हित अलग अलग हो गए तो ये भी तो हो सकता है कि दूसरे धर्म के लोग एक ही राष्ट्र में नागरिक की तरह नहीं रह सकते। और अगर ये सोच आ गई बच्चे तो याद रखिएगा कि पहला धर्म जो है वो फिर दूसरे धर्म पर क्या करने की कोशिश करेगा, वर्चस्व करने की कोशिश। क्योंकि साफ कहा गया है कि दूसरे धर्म के लोग अब नागरिक की तरह नहीं रह सकते, इसका मतलब है पहला धर्म दूसरे पर वर्चस्व करने की क्या करेगा, कोशिश करेगा। और बच्चे अगर वर्चस्व करने की कोशिश करने लगे तो फिर किसकी मांग हो सकती है, अलग राष्ट्र की मांग हो सकती है। याद रखिए बच्चे, खतरा इतना ज्यादा होगा कि अलग राष्ट्र की मांग हो सकती है। आप मेरा इशारा समझ भी रहे होंगे कि धर्म के आधार पर अलग राष्ट्र को हम लोगों ने बेटा भुगता भी है अपने देश की आज़ादी के समय। पूरी बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, लेकिन याद रखिएगा यह मान्यता भी गलत है। संभव नहीं है कि एक ही धर्म के लोगों के हित एक जैसे नहीं हो। याद रखिएगा, एक ही धर्म के लोगों के हित भी अलग अलग हो सकते हैं, इस बात को भी समझना है। इसका मतलब है कि यह मान्यता भी गलत है कि एक ही धर्म के लोगों के हित एक जैसे हो सकते हैं। याद रखेंगे कि एक धर्म के लोगों के हित भी क्या हो सकते हैं,
अलग अलग हो सकते हैं। जरा मैं इसको मिटा दूं बच्चे, ठीक है। चलिए अब हम जरा एक ही धर्म के लोगों की बात करते हैं। यहाँ तो चलिए मैंने अलग अलग धर्म के लोगों की बात कर दी। इस बात को समझिएगा कि ऐसी मान्यता गलत है कि एक धर्म के लोगों के हित क्या होंगे, एक होंगे। ऐसा हो सकता है कि एक धर्म के लोगों के हित भी अलग अलग हो सकते हैं। इस बात को याद रखिएगा बच्चे सभी लोग कि एक ही धर्म के लोगों के हित भी क्या हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। पूरी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब केयर कीजिए कि सांप्रदायिकता राजनीति में अनेक रूप भी धारण करती है। हमें देखना है कि सांप्रदायिक